हेलो बच्चों। तो आज के इस सेशन में लेने वाले हैं हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है, और वो है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो इससे पहले का जो लेक्चर है प्रीवियस, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें आपको यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में बताया गया है। और हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो येलो कलर से जो बॉडी दिख रहा है आपको, दैट इज द मैक्रोफेजेस से, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में क्या करता है बेटा, ये हमारे बॉडी में पैथोजेंस को ढूंढ ढूंढ के क्या करता है, मारने का काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो दो बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, ये इसी सेल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, ठीक है ना। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं, और इसके कारण से हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें क्या करना है, आज एक एक करके पढ़ना है। हमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, आपके बोर्ड के जो बुक में दिया हुआ जितना पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके चैप्टर से जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच चेंजेस, क्या चेंजेस और किस टाइप का चेंजेस होता है जब लेदर आर्टिकल, चाहे वो आपके पर्स हो या फिर कोई भी चीजें हो सकती है, या शूज हो, ठीक है, या फिर गमी यानी जो जूट वगैरह है, बैग्स है, गमी बैग्स, ठीक है। तो रेनी सीजन में इनके ऊपर में क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक शूज है, और आप क्या देखते हो कि जो शूज है वो रेनी सीजन में जो है ये थोड़ा सा हैवी हो गया है और ये खराब होने लगा है, ठीक है। और इस पे आपको ऐसे फफूंदी जैसे कुछ तो भी ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, तो ये क्या है, तो ये होता है बेटा थ्राइप्स ऑफ फंगस, ठीक है ना। फंगस और माइक्रोब्स क्या हो रहे हैं, उस पे ग्रो हो रहे हैं। तो किस टाइप का चेंजेस आपको दिख रहा है, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका वेट जो है वो हो जाएगा हेवी, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, ठीक है ना, हेवी हो जाएगा। इसके ऊपर में आपको माइक्रोब्स के जो है वो ग्रोथ दिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, जो फिलामेंटस ग्रोथ रहते हैं हाइफी देखने को मिलेगा। जो आपका लेदर है वो वीक होने लगेगा, इवन क्लॉथ भी, कपड़े भी अगर होंगे तो क्या होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स कैन यू यूज दिस आर्टिकल्स, तो कितने दिन बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि रेनी सीजन में अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा धूप आना चाहिए, है ना, सनलाइट जो है अगर अच्छे से मिल जाता है और वो आर्टिकल्स कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने के बाद जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर उसमें फंगस का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो मटेरियल है वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू दीज आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग समर, है ना, पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ये समर में स्पॉइल नहीं होता है, इवन विंटर में भी नहीं होता, ऐसा क्यों। इसका आंसर बेटा आपको एक चीज देना है, वो क्या देना है कि फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस एंड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स दे नीड मॉइस्चर, क्या चाहिए उसे, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए एंड ह्यूमिड ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है ना। यानी ह्यूमिड कंडीशन अगर रहेगा तो मॉइस्चर भी रहेगा और टेम्परेचर भी रहेगा, दोनों चीज अगर अवेलेबल है तभी क्या हो सकता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए रेनी सीजन में आपको माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा दिखते हैं, आपको जो इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म है या जो भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, जो भी इन्फेक्शन है, ये आपको कब ज्यादा होंगे, तो ये आपको होते हैं कब, रेनी सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन में जो है वो कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर, है ना। आप, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, माइक्रोब दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन ये माइक्रोब जो है एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में। इफ देयर इज सफिशियंट मॉइस्चर, अगर उसको सफिशियंट मॉइस्चर मिल जाता है तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट्स हो जाएंगे। एंड कहाँ पे जर्मिनेट्स होंगे, तो कॉटन के फैब्रिक पे, गमी यानी कि जूट, उसके बैग पे, लेदर पे, लकड़ी का कोई सामान होगा उस पे, क्योंकि उसमें क्यों ग्रो होंगे, क्योंकि उसपे क्या है, कार्बन है, कार्बन
कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड से वो एनर्जी ले लेगा और मॉइस्चर जो है उसके जर्मिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें मॉइस्चर अवेलेबल है और इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो स्पोर्स है वो क्या होने लगेंगे, जर्मिनेट होने लगेंगे, ठीक है, इस तरह से जर्मिनेट होने लगेंगे, देन जाके आपको जो है माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। देन ये फंगल हाइफी क्या है इसको समझिए, तो फंगल हाइफी फाइबर्स ऑफ फंगस, ठीक है ना, तो जैसे आप अगर टमाटर ही वगैरह देखे होंगे या कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है उसमें आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाऊंगा, अगर उसको आप डिटेल में देखें तो ये एक फिलामेंट ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से ऐसे रहते हैं इनके ग्रोथ। तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसमें आपको, दैट इज द फंगल हाइफी, उसे ही क्या बोलाता है, हाइफी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका काम क्या होता है, तो पेनेट्रेट डीप, है ना, ये डीप पेनेट्रेट कर देता है उस मटेरियल को और उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन कर लेता है एंड उसके हेल्प से वो क्या करेगा, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेगा। दिस कॉज मटेरियल्स टू वियर एंड बिकम्स वीक, तो जब आप इस मटेरियल को पहनोगे तब ये मटेरियल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन कंपाउंड है ये यूटिलाइज किया है जिसके कारण से इसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो बॉन्डिंग है वो वीक हो चुका है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसके कारण क्या होगा, गमी बैग है, लेदर आइटम्स है या फिर जो आपके शूज हैं, पर्सेस हैं, बेल्ट हैं, ये सब लेदर के होते हैं ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस पे फंगस का ग्रोथ हो जाएगा एंड ये आपके जो है लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा, जल्दी ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई लकड़ी का भी आइटम है, वुडन यानी क्या, लकड़ी, है ना, कोई अगर लकड़ी का भी आइटम है तो क्या हो जाएगा, जल्दी ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। यहाँ पे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, व्हाई इन द रेनी सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, तो आपके बारे इसके लिए दो आंसर बताए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रेनी सीजन में उनको क्या मिल जाता है, तो मॉइस्चर मिल जाता है, ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाता है, जिसके कारण से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका उस सीजन में सर्वाइव करता है, रेनी सीजन में, लेकिन समर में वो चीज नहीं मिल पाएगा, विंटर में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि ब्लैक पाउडर के जैसा या फिर व्हाइट डिस्क लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है आपने देखे होंगे, है ना, कहाँ पे, अचार के ऊपर में फ्लोट के, जैसे मान के चलिए एक ये जार है, इस जार में आपने क्या रखा है, पिकल्स, पिकल्स यानी क्या, अचार, ठीक है ना, इसके ऊपर इसमें क्या है, अचार है, तो आप क्या देखते हो कि इसके ऊपर में जो है ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना, तो चाहे वो अचार हो या मुरब्बा हो, है ना, उसके ऊपर ये क्या होता है, ग्रो हो जाता है, अगर जार ओपन रहा तो, है ना, ओपन रहा तो, क्योंकि ओपन रहेगा तभी तो एयर से जो है इसमें क्या होगा, इंटर कर पाएगा, अदरवाइज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेरियस स्पीसी, अब यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चन एमसी 1 मार्क के लिए ऐसे या कुछ पूछ सकता है कि ब्लैक पाउडर जो है व्हाइट डिस्क जो है ना, ब्लैक पाउडर है व्हाइट डिस्क जो है ये कहाँ पे दिखेगा, तो पिकल्स एंड मुरब्बा में दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो फ्लोटिंग फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगाई ग्रोन ऑन फूड आइटम्स, बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कहाँ ग्रो होते हैं, फूड आइटम, जैसे पिकल्स है, मुरब्बा है, ठीक है, जैम्स है, सॉसेस है, चटनी है, अलग अलग जो भी फूड आइटम्स है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है उसमें ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, दे यूज द न्यूट्रिएंट्स, उसमें से ये न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं, है ना, और खुद को क्या करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं यानी ग्रोथ करते हैं और एक से दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब खुद को रिप्रोड्यूस करने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के टाइम में क्या होता है, फंगाई जो है क्या रिलीज करता है, माइकोटॉक्सिन्स, देखो टॉक्सिन्स का मीनिंग क्या होता है, तो टॉक्सिन्स का मीनिंग होता है पॉइजन, टॉक्सिन्स का मीनिंग क्या होता है, पॉइजन, ठीक है, और माइको का मतलब होता है फंगा, यानी जो आपका फंगा है वो क्या कर रहा है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, दैट इज द माइको टॉक्सिन्स, है ना, तो वो जो केमिकल्स है, पॉइजनस केमिकल्स है, वो क्या कर देगा, फूड को क्या कर देगा, खराब कर देगा, है ना, हम उसे क्यों कंज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अगर हम आप कंज्यूम करते हो तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, ठीक है ना, और इसीलिए जो आपका फूड है वो क्या हो गया, आप पॉइजनस हो गया, और इसीलिए इस टाइप के फूड को हमें नहीं खाना चाहिए, इस टाइप के फूड को हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसी में से फूड पॉइजनिंग कॉजिंग बैक्टीरिया में ही एक बैक्टीरिया है, दैट इज द
क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, जो आपके फूड खराब हो जाते हैं ना, इसका मेन कारण जो है ये कौन है, क्लोस्ट्रिडियम है, इसके कारण से आपका फूड खराब हो जाता है। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्ट, है ना। तो कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि एक घर में कुछ लोग खाना खाए, दिन का या रात का खाना था, और सभी लोग बीमार हो गए, किसके कारण से, फूड पॉइजनिंग के कारण से। कैसे, तो ये क्लोस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया रहता है इसके कारण से। ये क्या करता है, जो पका हुआ खाना रहता है ना, कुक फूड, उसको स्पॉइल कर देता, कौन बैक्टीरिया करता है, क्लोस्ट्रिडियम। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, फ्लो चार्ट में दे सकते हैं, वन वर्ड में पूछ सकते हैं, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, पका हुआ खाना को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया कौन सा, तो क्लोस्ट्रिडियम, ये याद रखना है। तो बैक्टीरिया में जो है 100 डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज हैं, उसमें से कुछ फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब होता है जो इधर मीन्स किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं रहता है ना, वो अपना खुद का खाना जो है इधर उधर कहीं से केमिकल से या किसी और अदर इससे डिराइव कर लेता है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो ये आपके जो बैक्टीरिया है दो फॉर्म में है, एक तो फ्री लिविंग फॉर्म में है और दूसरा जो है ये पैरासाइट के फॉर्म में है। और पैरासाइट में कहाँ पे है, तो देखिए एलिमिनेटरी कैनाल, एलिमिनेटरी कैनाल यानी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही हम बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनाल। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, और जब ये स्पोर्स बनाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरह से बॉटल शेप में, इस शेप में रहेंगे, ठीक है, बॉटल शेप में आपको थोड़ा बहुत ये बॉटल शेप में दिखता है, तो बॉटल शेप में रहेंगे कब, जब ये स्पोर्स बनाएंगे तब, दैट इज द एंडोस्पोर। इसको क्या बोलाता है, एंडोस्पोर। कब होगा ये, जब एडवर्सली कंडीशन आएगा तब, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अब इसको लगेगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, तो ये खुद के अंदर में क्या कर लेगा, स्पोर्स बना लेगा, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम में। मैं आपको अगर इसका साइकिल दिखाऊं तो ये रॉड शेप है, ये क्लोस्ट्रिडियम है, यहाँ आपको बता रहा हूँ कि कंडीशन कैसे हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन जो है, अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल होने के कारण इसने क्या कर लिया, खुद के अंदर में स्पोर्स बना लिया, दैट इज द एंडोस्पोर, एंडोस्पोर बना लिया। फिर क्या हो गया, कुछ दिन के बाद कंडीशन क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, कंडीशन जो है ये फेवरेबल हो गया। फेवरेबल होने के बाद फिर से वैसा ही लाइफ क्या हो गया, फॉर्म कर लिया जैसे पहले था। समझ में आ गया, कितना सिंपल पॉइंट है, आपको ध्यान में ये रखना है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वन स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट दे कैन नॉट विदस्टैंड द नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल ऑफ एयर बिकॉज दे ग्रो इन द एनएरोबिक कंडीशन। तो ये जो बैक्टीरिया है ये किस कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन होते हैं। ये जो आपके बैक्टीरिया है इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ग्रो होता है। ये आपको याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो आपका एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो होता है। ये आपके सामने एक एनिमेटेड डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि क्लोस्ट्रीडियम जो है ये रॉड से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो है। ये आपके बुक में जो कुछ एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम का, यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, ये क्लोस्ट्रीडियम जो है परफिंगेंस है, उसके बाद ये क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम है, और उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम डिफी काइल्स है। तो अलग अलग टाइप के जो है क्लोस्ट्रीडियम के क्या है, यहाँ पे स्पीसीज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। कुछ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि क्लोस्ट्रीडियम ही है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के साथ साथ वायरसेस भी पता होंगे आपको, निमोनिया है, वायरल डिसीज है आपको, कोविड है ना, ये सब कॉज करने वाला कौन है, वायरस ही है ना। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ आपको पता होगा, मलेरिया है ना, इन्हीं के कारण से होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना, और फंगल डिसीज, रिंगवॉर्म हो जाता है ना, दाद खाद खुजली, स्किन इन्फेक्शन फंगस के कारण से हो रहा है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कॉजिंग करने के लिए। यूजफुल हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम हार्मफुल की बात कर रहे हैं। तो यू हैव लर्न अबाउट द वायरसेस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो जो वायरसेस होते हैं ना ये बहुत ही छोटे होते हैं,
ठीक है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं एंड कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। और ये ग्रो और रिप्रोड्यूस कब कर पाएगा, जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर मिलेगा तब, अदरवाइज नहीं, है ना। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस को कहाँ रखा गया है, क्या ये वायरस लिविंग है, क्या वायरस लिविंग है या वायरस नॉन लिविंग है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। नो, इट्स नॉट अ लिविंग, दैट मीन्स कि इट्स लिविंग। नॉन लिविंग, नो, इट्स ऑल्सो नॉन लिविंग, दैट मीन्स कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो नाइदर अ लिविंग नॉर अ नॉन लिविंग, इसको इंटरमीडिएट में रखा गया है वायरस को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं उसके बारे में। इससे पहले इस साइंटिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या वर्क किया है। इट वॉज बिलीव दैट द मीट गेट्स स्पॉयल, जो मीट है ना गेट स्पॉयल किसके कारण से, बैक्टीरिया के कारण से, ऑफ द बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो रॉड शेप में होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप में होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। एग्जैक्ट टाइप ऑफ बैसिलस वाज नॉट नोन, अभी तक तो क्लियर पता नहीं है। तो जो साइंटिस्ट है कौन, वैन अरमेंगेम, कौन सा साइंटिस्ट है, वैन अरमेंगेम, प्रोवाइड्स दैट द एनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक यानी जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, है ना, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए। ये आपको याद रखना है बेटा कि क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, और ये अनएरोबिक बैक्टीरिया है, इसका जो शेप है वो रॉड शेप है, और इसीलिए हम इसको बैसिलस बोलते हैं। इडा बेंगस्टोन साइंटिस्ट है, ऑब्टेंड हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, कहाँ लिया, शिकागो यूनिवर्सिटी से लिया। सी कंडक्टेड इंपॉर्टेंट रिसर्च किसके ऊपर में, ऑन द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन, है ना, गैस गैंग्रीन्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, उस टॉक्सिन्स के बारे में इन्होंने स्टडी किया, एंड एंटी टॉक्सिन्स यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इट, और उसके लिए उन्होंने एंटी टॉक्सिन डेवलप किया जो इसके लिए क्या है, इफेक्टफुल है। व्हाइल सी वाज डूइंग रिसर्च ऑन द ड्रेडेड डिसीजेस कॉल्ड टाइफस, टाइफस के ऊपर उन्होंने वर्क किया, सी हरसेल्फ कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन, है ना, उनको भी इन्फेक्शन हो गया था ये, एंड बट सी ओवरकम, लेकिन वो बच गए, एंड कंटिन्यू हर रिसर्च, लेकिन उनका रिसर्च जो है वो कंटिन्यूस चलते रहेगा। फॉर दिस वर्क सी वॉज ऑनर्ड विद द टाइफस मेडल इन 1947, है ना, हमारे देश जब आजाद हुआ था, इससे भी आप याद रख सकते हो, इस टाइम उनको टाइफस मेडल करके मिला था, क्यों, क्योंकि उस इन्फेक्शन से वो खुद पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने अपना रिसर्च जो है वो कंटिन्यू रखा। यहाँ पे कुछ डिसीजेस हैं, उसको कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं, उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कैसे ट्रांसमिट होता है, और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे कॉमन एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से, ये किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। कैसे होगा, तो थ्रू ब्लड सीमेन, सीमेन क्या है, होता है, तो सीमेन यानी कि स्पर्म एंड उसके साथ साथ जो बाकी के सिक्रेशन रहते हैं ना, मेल जब कॉपुलेट करता और इजैकुलेट करता उसे हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। इवन जो मदर है वो मिल्क के, मदर के मिल्क में भी होता है, एंड किसके, तो जो मदर को एड्स होगा उसके, सभी के नहीं, है ना, तो ब्लड सीमेन मिल्क एंड बाकी भी चीजें होती है, सलाइवा वगैरह में भी होते हैं, लेकिन बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, खास करके ब्लड एंड सीमेन, तो इसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ब्लड रेजर ये सब चीजों से हो सकता है, बहुत से रीजन है। तो फिर प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज करना चाहिए, अननोन पर्सन के साथ जो है कॉपुलेट नहीं करना चाहिए, है ना, नीडल्स जो है उसका डबल से यूज नहीं करना चाहिए, इंजेक्शन जो है उसका फिर से यूज नहीं करना चाहिए, एक ही टाइम यूज करना चाहिए, तो इस तरह से एड्स से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, इसमें वाटर और फूड कंटामिनेशन के कारण ये स्प्रेड होता है, तो सिंपल सी बात है, फूड और वाटर कंटामिनेशन से अगर ये स्प्रेड हो रहा है तो हमें फूड और वाटर को कंटामिनेट होने से बचाना है, इसीलिए पानी जो है क्लीन और फिल्टर पीना है
है ना, और फूड का स्टोरेज प्रॉपर रखना है ताकि उसमें कोई भी चीज इन्फेक्ट ना हो, कंटामिनेट हमारा फूड ना हो। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये भी आपके कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आपको हो जाएगा। हाइजीन का मतलब क्या होता है, खुद को स्वच्छ रखना, साफ रहना, है ना, सैनिटाइजर वगैरह लगाना, हाथ को क्लीन रखना, ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना, अवॉइड करना, ठीक है। देन मेसल्स एंड चिकन पॉक्स, दाने दाने जैसे आ जाते हैं ना आपके स्किन्स पे, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें भी एक वायरल इन्फेक्शन जनरली जो है कॉन्टेजियस होता है, कॉन्टैक्ट में आए तो आपको हो जाएगा। तो इसके लिए वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन करवाइए, और जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका ना यूज करें, मतलब अनकंटामिनेटेड वाटर यूज करें, क्लीन फूड यूज करें। उसके साथ साथ बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये भी इन्फेक्टेड बर्ड्स और एनिमल से आपके कांटेक्ट में आने से होता है, और इसमें आपको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, और आप जो भी कुक मतलब मीट खा रहे हो उसे अच्छे से पका के खाना है ताकि उसका जो वायरस है वो आप में ना आए, वो पहले ही खत्म हो जाए। डेंगू, डेंगू भी क्या है, वायरल डिसीज है, डेंगू वायरल डिसीज है, ये मॉस्किटो बाइट के कारण होता है, ठीक है, ये मॉस्किटो बाइट जो है कैरियर रहता है मॉस्किटो। इसमें आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग को जो है क्लीन रखना है, और पानी जमा नहीं होने देना है, उसको रोकना है ताकि मॉस्किटो का कंट्रोल हो सके। मॉस्किटो कंट्रोल रहेगा तो ये डिसीज भी कंट्रोल रहेगा। उसके साथ है निमोनिया, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज है, और ये कैसे, ड्रॉपलेट्स छींकूंगा खांसूंगा तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ये क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे एयर में, और एयर से इन पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन अगर मैं हूँ, मैं छींक रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, तो हवा में मिक्स हो जाएगा एयर में, और अगर आप यहाँ से जाओगे, आप यहाँ आजू बाजू में बैठो तो आप भी उसमें एक्सपोज हो जाओगे। तो इसके लिए भी वैक्सीनेशन है, और किसी के कॉन्टैक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके कॉन्टैक्ट में आपको नहीं आना है। देन यहाँ पे निमोनिया हो गया आपका, बैक्टीरियल है ये ऑलरेडी हमने कर लिया। देन लेप्रोसी है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये अगर आप लॉन्ग टर्म कांटेक्ट रखते हो इन्फेक्टेड पर्सन से तो आप में जाएगा, तो फिर वही है, अवॉइड करो कांटेक्ट को। क्लोरेला है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो सिंपल सी बात है, क्लीन फूड और क्लीन वाटर यूज करो, फूड को बराबर स्टोर करो, है ना, हैंड वॉश करो तभी खाना खाओ। मलेरिया है, मच्छर से काटने से होता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहता है, तो मॉस्किटो बाइट के कारण से होता है, अनक्लीन सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग में बहुत कचरा है तो बहुत ज़्यादा मच्छर रहेंगे, तो क्या करना है, क्लीन करना है आपको अपना सराउंडिंग, और पानी को जमा होने से रोकना है ताकि मॉस्किटो को कंट्रोल में लाया जा सके। उसके बाद डैंड्रफ होता है ना सर में, सफ़ेद सफ़ेद निकलते रहते हैं, रिंग वॉर्म है ना, आपके स्किन पे ऐसे गोल से आ जाते हैं, खुल जाते रहते हैं, इचिंग क्रिएट कर देता है, वो ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये भी कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे आप में आ जाएंगे, आप अगर उसका क्लॉथ यूज करते हो या उसका कोई भी मटेरियल यूज करते हो तो आप में वो आ सकता है। तो इसीलिए पर्संस को खुद को हाइजीन रखना है, मतलब उनसे दूर रखना है, और उनके कांटेक्ट से बिल्कुल ही दूर रहना है आपको। देन कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स है, और कुछ क्वेश्चन हम ऐसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सॉल्ट इज अप्लाइड है ना ऑन द इनर सरफेस ऑफ पिकल्स जार एंड द पिकल इज कवर्ड विद ऑयल, है ना, तो सिंपल सिंपल अगर आपको बोला जाए तो कंसेप्ट यह है कि कोई भी जार है, उस जार में जब आप अचार बनाने को डालते हो तो अचार बनाने के डालने के टाइम में आप उसमें नमक डालते हो, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो डालते हो, उसमें ऑयल डालते हो, तो आप यहाँ पे दो चीज यूज कर रहे हो, एक तो आप यहाँ पे सॉल्ट यूज कर रहे हो और दूसरा जो है आप यहाँ पे ऑयल यूज कर रहे हो, व्हाई, है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो सॉल्ट क्या करता है, तो सॉल्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया ही है, सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, और जो भी मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है ना, माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक माइक्रोब्स है जो आपके इस जार को मैंने अगर ऐसे दिखाया, ठीक है, तो ये माइक्रोब्स है और इसके सराउंडिंग में ये क्या है, सॉल्ट है, ये सॉल्ट बाहर रहने के कारण आपको पता होगा यहाँ पे एक जो ऑस्मोसिस हो जाएगा, इस सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और ये जो माइक्रोब्स है ये मारा जाएगा, समझ में आ गया, इस तरह से।
तो वाटर लूज कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसके कारण से वो मारा जाएगा। हेंस सॉल्ट इज अप्लाइड, इसीलिए सॉल्ट को अप्लाई किया जाता है पिकल्स यानी अचार के जार में, इनर सरफेस पे। पिकल्स इज कवर्ड बाय द ऑयल, बाद में उसमें ऑयल डाला जाता है, तो ऑयल क्या करता है, तो ऑयल उसको प्रिवेंट करता है अंदर जाने से, रोकता है। समझ में आ गया? ये दो फंक्शन है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना है। विच प्रिजर्वेटिव मिक्स विद रेडी टू ईट फूड टू कीप देम फ्रॉम स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग से बचाने के लिए फूड में क्या क्या मिक्स किया जा सकता है। कॉमन सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं, शुगर, सोडियम बेंजोएट रहता है उसे मिक्स किया जाता है, साइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड है जिसका यूज आप किस तरह से कर सकते हैं, तो प्रिजर्वेटिव की तरह कर सकते हैं, है ना। ये भी इडिबल फूड में, इडिबल खाने वाले फूड में आप इसका यूज कर सकते हैं। सम वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, इसमें से किसी भी एक या मिक्स करके जो है आप इसे यूज कर सकते हो, जिससे आपका फूड भी बचा रहेगा और आपको कोई हार्म भी नहीं होगा। ठीक है, देन फाइंड आउट यूज ऑफ फंगाई, फंगाई का यूज जो है प्लांट और एनिमल के लिए क्या क्या होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी एनिमल्स और फंगाई, अगर कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स अगर मरता है, डेथ होता है उसका, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, फंगस करेंगे, है ना। तो फंगस जो है डिकम्पोजर्स है, अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं डायग्राम के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये प्लांट हो गया, ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट को जो है यहाँ पे कोई बकरी होगा या कोई गाय होगा, ठीक है, तो ये इसको खाएगा, ठीक है। इस गाय को या जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, इसको खाने वाला जो है कोई कैर्निवोरस एनिमल्स रहेगा, है ना, कोई कैर्निवोरस एनिमल्स है, कोई कैर्निवोरस एनिमल्स है, ये इसको खाएगा। लेकिन अंत में चाहे प्लांट मटेरियल का डेथ हो, इस एनिमल का डेथ हो, या फिर इस एनिमल का डेथ हो, यहाँ पे जो है डिकम्पोजर्स रहेंगे जो इसको डिकम्पोज करेंगे, और यहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो फिर से प्लांट को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहे, मरने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होना तय है, और तभी वो न्यूट्रिशन का जो साइकिल है वो चलते रहेगा। तो इसीलिए ये न्यूट्रिशन साइकिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए जो ये ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सॉइल की में न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। देन क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस, है ना, अ कंडीमेंट, वेयर एल्स इज इट यूज, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको बता दूं कि लाइकेंस इज अ यूनियन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, वन इज द फंगा, एक जो है वो क्या है, फंगा है, और दूसरा जो है वो है अल्गी। तो फंगा और अल्गी का जो यूनियन है दैट इज द लाइकेंस, उसे ही क्या बोला जाता है, लाइकेंस बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों का यूनियन है, फंगा को माइकोटा तो माइकोबायंट बोलते हैं, अल्गी को फाइकोटा या फाइको, दैट इज द फाइकोबायंट, और उनसे मिलके क्या बनता है, आपका लाइकेंस बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्लांट एंड एनिमल डिसीज आर कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कौन से प्लांट और एनिमल डिसीज है जो फंगस के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया प्लांट का, तो पॉडरी मिल्डवे है, रस्ट डिसीज है, फायर ब्लाइट है, या बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे इसके कारण से होता है। डोंट वरी, आपको ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन है तो इसीलिए हम बता देते हैं। तो आप ज्यादा याद नहीं रखना, कम से कम ये याद रख सकते हो आप कि जो पॉडरी मिल्डे है या फिर रस्ट है, तो ये किसका डिसीज है, फंगस डिसीज है। फायर फ्लाइट है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, ये किसके कारण से होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, किसमें, प्लांट में। सेम उसी तरह से एनिमल में भी बॉबोनिक प्लेग है, उसके बाद टीबी यानी कि ट्यूबर क्लोसिस है, ये किसके कारण से होता है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया प्रोटोजोन्स के कारण, रिंगवॉर्म, फंगस
फंगस के कारण होता है, इतना आपको याद रखना है बेटा। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम हमारे इस सेशन को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, आपके प्यारे प्यारे लाइक मिलते रहेंगे तो हमें भी वो एनर्जी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे सेशन में लगातार बने रहिए, ताकि आपके इस प्यार भरे जो ज्वाइनिंग है, आपका प्यारा सा जो साथ है वो हमें मिलता रहेगा, तो हम हमारे सेशन में आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।